हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर द फाइनेंस। ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ नया तरीका अपनाने जा रहा हूँ, जहाँ मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं फाइनेंस की नॉलेज आप तक एक इंटरेस्टिंग कहानी के रूप में आपसे रिलेट करके पहुँचा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके मुझे सूचित करिएगा। आज की इस कहानी का मुख्य किरदार भी आप ही है। आप ही के बीच से एक लड़का जो टीयर टू टाउन में रहता था, पढ़ाई लिखाई करके बड़े शहर में जाता है नौकरी पाने के लिए। टीयर टू टाउन में तो जॉब भी नहीं होता है, तो जनरली लोग बड़े शहरों में ही शिफ्ट करते हैं। उस लड़का का नाम है अर्जुन। अर्जुन जब बड़े शहर में जाता है तो बड़ी शहर की चकाचौंध वाली जिंदगी देख करके हैरान रह जाता है। उसे भी मन करता है कि मैं अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाऊं, कभी दोस्तों के साथ बढ़िया सी पिक्चर देखूं, या मॉल में जा करके वो कपड़ों से भरे हुए दुकान में जा करके कुछ अच्छे अच्छे कपड़े भी ले लूं। और अब तो वो सोचता है कि पिताजी से पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे, मैं तो खुद कमाता हूँ। महंगे मोबाइल फोन्स, महंगे कपड़े, दोस्तों के साथ अच्छी जगह पे पार्टी करना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें में वो डूब जाता है। और अब तो सबसे बढ़िया है कि क्रेडिट कार्ड उसके हाथ में है, वो जब चाहे तब उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। लेकिन महीने की शुरुआत में ये क्या, अर्जुन के पास तो पैसे ही नहीं बचते। क्रेडिट कार्ड का बिल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बाकी ज़रूरतों को पूरा करने में भी प्रॉब्लम उसे होने लगती है। महीने की शुरुआत में ही उसकी सैलरी ख़त्म हो जाती है और फिर वो उधार मांगता है या क्रेडिट लेता है, और इस तरीके से क्रेडिट के ट्रैप में फंसते चला जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अर्जुन सोचता है कि क्यों ना पर्सनल लोन ही ले लेता हूँ। पर्सनल लोन ले करके मैं इन सारी क्रेडिट को एक बार में ख़त्म कर दूंगा, और फिर अगले महीने से जो है इन सभी चीज़ों पे मैं रोक लगाऊंगा, डिसिप्लिन वे में थोड़ा सा रहूंगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो आदत, वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, वो एंजॉय करने वाली जो आदत है ना, वो ख़त्म ही नहीं होती। और इस तरीके से पर्सनल लोन का भी EMI हो जाता है, क्रेडिट कार्ड का भी EMI हो जाता है। और इसी बीच घर से भी फ़ोन आ जाता है, पिताजी का फ़ोन आता है, कहते हैं बेटा थोड़ा सा पैसा भेज दो, घर बनाना है, या घर में कोई मेडिकल अर्जेंसी आ गई है, या घर में किसी की शादी है, वहाँ गिफ्ट करना है, कोई भी ऐसा काम है जहाँ से पैसे की डिमांड आ जाती है घर से। अब क्या करेगा अर्जुन? अब अर्जुन जाता है वापस से बैंक। बैंक वहाँ पे लोन रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज आपने पर्सनल लोन भी ले रखा है, आपकी क्रेडिट कार्ड की बिल है, आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप आगे की लोन चुका पाए। तो क्या करेगा अर्जुन, अब कहाँ जाएगा? अब अर्जुन जाता है इंस्टेंट लोन ऐप्स या NBFC की तरफ, जो बहुत ही लुभावने लगते हैं, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। इंस्टेंट पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है विदाउट एनी हेजिटेशन। वो उस लोन ऐप को इंस्टॉल करता है और लोन ले लेता है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इंस्टेंट लोन ऐप्स या NBFC होता क्या है। इंस्टेंट लोन ऐप्स जो होता है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको अनसिक्योर्ड लोन्स मिलता है इजीली। आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं और आपको इंस्टेंटली पर्सनल लोन मिल जाता है। यहाँ पे जनरली प्री अप्रूव्ड लोन्स ही प्रोवाइड करा जाता है, जो बहुत सारे बैंक्स या NBFC अपने ऐप के थ्रू आप तक पहुँचाते हैं। ये हालांकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कभी भी आप गलती से अगर इंस्टेंट लोन ऐप के थ्रू आप लोन लेते हैं तो। वहीं NBFCs की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होती है। NBFCs एंड बैंक में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज NBFC बैंक की तरह डिपॉजिट नहीं ले सकते, पेमेंट एंड सेटलमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते, और लास्ट में NBFCs में DICGC के थ्रू जो इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख रुपए तक का, वो NBFCs को नहीं मिलता है, जो कि बैंक में मिलता है। तो ये बहुत थोड़े से डिफरेंस है। NBFCs भी RBI के थ्रू रजिस्टर्ड होता है, बहुत सारे NBFCs हैं, जो कि मैं लास्ट में आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगा। यहाँ से भी बहुत वैरायटी के लोन्स लिए जा सकते हैं। अर्जुन इस बात से तो बेहद खुश था कि बिना किसी परेशानी के उसे इंस्टेंट लोन मिल जाता है, लेकिन इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इस लोन पर चुकाना पड़ता है। तो अब होता क्या है अर्जुन के साथ? अर्जुन चूंकि अपने आदत को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं कर पाता, ऑलरेडी पर्सनल लोन लेके रखा होता है, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा होता है, इंस्टेंट लोन ऐप से भी लोन ले लेता है, अब उसके पास पैसे नहीं बचते कि वो सारे क्रेडिट को चुका पाए मंथली बेसिस पर। हालांकि उसकी प्रमोशन भी होती है, इंक्रीमेंट भी लगता है, लेकिन
पैसे की कमी से वो परेशान होने लगता है। समय के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती है, घर की चिंता होती है, उसे अपने फ्यूचर की चिंता भी सताने लगती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए वो सोचता है कि एक फाइनल लोन लेते हैं और इन सारे लोन को खत्म करके सभी कुछ क्रेडिट कार्ड को भी बंद कर देंगे और फिर डिसिप्लिन से रहने लगेंगे। और इस फाइनल लोन के लिए वो बैंक का दरवाजा खटखटाता है। बैंक उसके लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लोन लेके रखा रहता है। उसका नेट टेक होम बहुत ही कम हो जाता है, क्रेडिट की स्कोर खराब हो जाती है। फिर वो इंस्टेंट लोन ऐप्स के बारे में सोचता है। इस बार वहां से भी उसे निराशा ही मिलती है क्योंकि क्रेडिट की स्कोर बहुत ही खराब हो चुका होता है अर्जुन का। इंस्टेंट लोन ऐप्स भी उसे ही लोन देता है जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी हो या क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। फिर उसे समझ में नहीं आता क्या करे। फिर वो ऐसे ही सर्च करते वक्त एक दिन एक ऐसे एप्लीकेशन पे पहुंचता है जहां इंस्टेंट लोन मिलता है विद इन मिनट्स एंड विदाउट एनी क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट का स्कोर भी चेक नहीं किया जाता, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और आपको लोन मिल जाएगा। इससे वो काफी अट्रैक्ट होता है और बिना कुछ सोचे समझे वो लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है और अप्लाई कर देता है लोन के लिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो डिमांड किया जाता है वो अपलोड करता है और वो सारे एक्सेस भी दे देता है अपने मोबाइल का जो वो एप्लीकेशन मांगता है आपको लोन देते वक्त। होता क्या है, रिजल्ट उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। इस चीज से वो काफी खुश हो जाता है। वो सोचता है कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी क्रेडिट स्कोर जांचे मुझे पैसे मिल गए। लेकिन एक महीने बाद जब ईएमआई चुकाने की बारी आती है तो उसे कॉल आता है और उसे बोला जाता है कि आपने हमारे यहाँ से 1,00,000 रुपये का लोन लिया है, इसे आपको कल ही चुकाना है। अर्जुन घबरा जाता है, बोलता है मैंने 1,00,000 रुपये का लोन नहीं लिया, मैंने सिर्फ 80,000 रुपये का लोन लिया था और मैं एक दिन में से नहीं चुका सकता। फिर उसके बाद उस आदमी से उसकी बहुत बहस होती है। वो आदमी उसे बहुत तरीके से ब्लैकमेल करता है, टॉर्चर करता है और उसे कहता है कि मैं आपकी लाइफ को बर्बाद कर दूंगा क्योंकि आपके सारे फोटोज़ की एक्सेस, सारे गैलरी में इमेजेस की एक्सेस, कॉन्टैक्ट लिस्ट सभी हमारे पास है। अर्जुन ये सुन करके परेशान हो जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचता है क्या करें। उसे एक दिन के अंदर ढेर सारे मैसेजेस एंड फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं और बात यहीं तक नहीं सीमित रहती है। उसके ऑफिस के कलीग्स के पास उसके प्राइवेट इमेजेस भी शेयर होने लगता है। उसे ऑफिस में लोग बहुत ही बुरी नज़र से देखने लगते हैं, वो बहुत ही परेशान रहने लगता है। उसके कॉन्टैक्ट्स में उनके घर वालों को फ़ोन कर दिया जाता है और उसे उन्हें भी टॉर्चर किया जाता है। इस चीज़ से अर्जुन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अर्जुन सोचता है कि अब इस चीज़ से बचने के लिए मेरे पास दो रास्ते बचते हैं। पहला तो ये कि मैं उसे 1,00,000 रुपये पे कर दूँ और कहानी ख़त्म करूँ, या दूसरा परमानेंटली कहानी ख़त्म कर देते। पहले रास्ते में उसे ये डाउट होता है कि मैं 1,00,000 रुपये देने के बाद भी क्या गारंटी है कि वो इमेजेस को शेयर नहीं करेगा, आगे पैसे नहीं मांगेगा। और ये सोच करके वो बहुत ही परेशान रहने लगता है, किसी से बातचीत नहीं करता, खाना पीना बंद कर देता है और बहुत ही अकेला रहने लगता है। और एक हंसता खेलता ज़िंदगी कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स की वजह से कहाँ पहुँच जाता है। इस कहानी को फ़िलहाल हम यही विराम देते हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अर्जुन ने क्या स्टेप उठाया, क्या 1,00,000 रुपये देने से लोन एप्लीकेशन से छुटकारा मिल जाता है, या वो कुछ ऐसा कदम उठाता है जो उसे नहीं उठाना चाहिए था, या उसके पास कोई तीसरा सॉल्यूशन भी है। ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको जाते वक्त आपको वो लिस्ट शेयर कर देता हूँ जहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से NBFCs RBI से रजिस्टर्ड हैं एंड कौन से इंस्टेंट लोन ऐप्स भी RBI से रजिस्टर्ड है जहाँ से आप लोन ले सकते हैं। देखिए, NBFC एंड इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेना बुरी बात नहीं है, आप ले सकते हैं अगर आपके बैंक के दरवाजे बंद हो चुके हैं तो। हमेशा बोलूँगा कभी भी आपको पर्सनल लोन चाहिए बैंक में ही जाए, बैंक में अगर नहीं होता है तो कुछ दिन वेट कर ले, क्योंकि NBFC एंड इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं तो RBI से रेगुलेटेड, बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है जो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा और हो सकता है ये डेट ट्रैप में आप फंस सकते हैं। और अगर आपने लास्ट तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करने में नहीं बोलूँगा, कमेंट करने ज़रूर बोलूँगा, बिकॉज इस नए तरीके के कहानी के रूप में वीडियो बनाने से क्या आपको सही में अच्छा लगता हो। अगर हाँ तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं इसे सुधार सकूँ नेक्स्ट वीडियो में।